हे फ्रेंड्स, भगवान बुद्ध का पूरा जीवन जीवन की सच्चाई को जानने और उस सच्चाई को दूसरे लोगों तक पहुंचाने में व्यतीत हुआ। उनके प्रवचनों में इतना तेज और इतनी सत्यता होती थी कि सुनने वाले लगभग सभी व्यक्ति उनका अनुसरण करते थे। हिंदू धर्म में भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। इस बात का उल्लेख अनेक पुराणों में भी मिलता है। उनके भक्त उनसे बेहद प्रेम करते थे और जो व्यक्ति अन्य धर्मों के थे वे भी भगवान बुद्ध के बेहद शालीन, सभ्य और प्रेमपूर्ण स्वभाव के कारण उनका सम्मान करते थे। पर भगवान बुद्ध को उनके ही एक अनुयायी ने जहरयुक्त भोजन देकर मार दिया था। पर उसने ऐसा क्यों किया था? आखिर पूरी सच्चाई क्या है? आज की इस वीडियो में हम उस घटना को पूरी तरह से जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं हूं आर्यंस और आप हैं मेरे साथ आपके अपने YouTube चैनल शॉकिंग टीवी पर। फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व क्षत्रिय शाक कुल के राजा शुद्धोधन के यहाँ कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। यह स्थान नेपाल में है। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण ही वे गौतम कहलाए। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। जब 8 ब्राह्मण विद्वानों से सिद्धार्थ का भविष्य पढ़वाया गया तो 8 विद्वानों ने एक सी बात कही कि यह बालक या तो एक बहुत महान राजा बनेगा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। बचपन से ही बेहद कोमल हृदय के थे। घुड़दौड़ में जब दौड़ते घोड़े के मुँह से भाग निकलने लगते थे तो ये अपना घोड़ा थका जानकर उसे वहीं रोक देते थे और प्रतियोगिता हार जाते थे। कई बार खेलों में जब हारने वाले व्यक्ति को देखते थे और उन्हें प्रतीत होता था कि उसे बहुत बुरा लग रहा है तो ये स्वयं हार जाते थे। किसी का दुख इनसे नहीं देखा जाता था। सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवदत्त ने जब हंस को तीर से घायल कर दिया था तो सिद्धार्थ ने हंस के प्राण बचाए और उस पर अपना हक बताते हुए उसे देवदत्त को देने से मना कर दिया, क्योंकि वे जानते थे अगर वे हंस को देवदत्त को देंगे तो देवदत्त उसे पुनः मार देगा। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान और रथ हाँकने में उनकी कोई बराबरी नहीं कर पाता था। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह कन्या यशोधरा से कर दिया गया। उससे इन्हें एक पुत्र राहुल की प्राप्ति हुई। वैसे तो पिता राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के भोग विलास का पूरा प्रबंध कर दिया था, परंतु जब एक बार बसंत ऋतु में वह सैर के लिए निकले तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसके दांत टूटे हुए थे, बाल सफेद हो गए थे, शरीर का ढांचा टेढ़ा हो गया था। वह लाठी का सहारा लेकर कांपते हुए चल रहा था। फिर दूसरी बार जब वह घूमने के लिए निकले तो उन्होंने एक रोगी को देखा जिसके कंधे ढीले हो गए थे, सांसें फूल रही थीं, आंखें पीली पड़ गई थीं। तीसरी बार जब वे फिर घूमने निकले तो उन्हें एक अर्थी दिखाई दी। आसपास कोई रो रहा था, कुछ लोग अपने बाल नोचते हुए बिलाप कर रहे थे, कुछ छटपटा रहे थे। इससे उनका मन बैराग में चला गया और सत्य की खोज के लिए राजपाट बीवी बच्चों को छोड़कर चले गए और तपस्या में लीन हो गए। 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे जब सिद्धार्थ ध्यान में लीन थे, एक स्त्री सुजाता गाय के दूध से बनी हुई खीर सोने की थाल में सजा कर लाई। वह अपने पुत्र होने की खुशी में भेंट चढ़ाने आई थी। उसने सिद्धार्थ को देखा और खीर भेंट करते हुए बोली, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई है वैसे ही आपकी भी हो। उसी रात सिद्धार्थ की साधना संपन्न हुई और सत्यता का बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ भगवान बुद्ध कहलाए। वे 80 वर्ष की आयु तक लोगों तक बुद्ध धर्म का प्रचार करते रहे। उनके प्रथम उपदेश से 5 अनुयायी बने और उन्हें भी धर्म उपदेश देने के लिए प्रचार करने के लिए भेज दिया गया। आनंद गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। एक दिन जब भगवान बुद्ध कुशीनगर भारत में थे तो एक अत्यंत निर्धन अनुयायी जिसका नाम कुंडा लोहार था उनको भोजन का निमंत्रण देने के लिए सुबह में बहुत जल्दी ही उनके पास आया और घर चलकर आज का भोजन उसके यहाँ करने का आग्रह किया। वह जल्दी इसीलिए आ गया था क्योंकि उसे डर था कि उससे पहले कोई और निमंत्रण देने ना आ जाए। भगवान बुद्ध ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। इतने में एक धनी व्यक्ति भी निमंत्रण देने के लिए आ गया तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आज के भोजन का निमंत्रण तो मैं इस व्यक्ति के यहाँ स्वीकार कर चुका हूँ, तुम कल आना। धनी व्यक्ति ने कहा, यह तो अत्यंत निर्धन व्यक्ति है, इसके पास भोजन कराने के लिए भला क्या होगा। इस पर निर्धन व्यक्ति ने हाँ में सर हिलाते हुए अपनी नजरें नीचे कर ली। भगवान बुद्ध ने कहा, अब जैसा भी भोजन होगा उसे मैं स्वीकार कर चुका हूँ, अतः छोड़ नहीं सकता, तुम्हें कल ही आना होगा। फिर जब भगवान बुद्ध उस निर्धन व्यक्ति के यहाँ भोजन करने के लिए जाते हैं तो वह निर्धन व्यक्ति कुंडा लोहार उनके सामने पके हुए कुकुरमुत्ते रखता है। कुकुरमुत्ते जो बरसात के दिनों में सीलन भरी जगह में उगते हैं। पहले निर्धन व्यक्ति उनको ही तोड़कर पकाकर खाते थे, परंतु कभी कभी सांप के उस स्थान पर रहने या वहां से गुजर जाने के कारण कुकुरमुत्ते अत्यंत कड़वे और विषैले हो जाते थे। इत्तेफाकन ऐसा ही हुआ, जब भोजन बन गया तो भगवान के खाने से पहले वो उसे चख नहीं सकता था। जब भगवान बुद्ध ने वह कुकुरमुत्ते खाए तो वे बेहद कड़वे थे और कड़वा बोलने या उनको न खाने पर निर्धन व्यक्ति को बहुत बुरा लगेगा, उसका दिल टूट जाएगा। ऐसा सोचकर भगवान बुद्ध उस खाने को खाते रहे। वो
उस निर्धन व्यक्ति कुंडा लोहार के पूछे जाने पर भगवान बुद्ध ने भोजन को अत्यंत स्वादिष्ट बताया। बुद्ध के जाने के बाद जब उसने भोजन को चखा तो उसका हृदय विलाप करने लगा। वह भागा भागा भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और कहा कि हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? आपको जहर दे दिया और आपने बताया क्यों नहीं कि सब्जी कड़वी जहर है? बुद्ध ने कहा, तू जरा भी चिंता मत कर, क्योंकि ये जहर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मैं तो वो जानता हूँ जो अमृत है, अमर है। तू तो धन्यभागी है। ऐसा अवसर कब कहाँ किसी को मिलता है जो किसी महात्मा व्यक्ति को अंतिम भोजन करा सके। सिर्फ दो ही तो महान होते हैं, वह माँ जो प्रथम भोजन कराती है और वह व्यक्ति जो अंतिम भोजन कराता है। बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा कि गांव में जाकर ये कह दो कि ये व्यक्ति अत्यंत सौभाग्यशाली है जिसे मुझको अंतिम भोजन कराने का अवसर प्राप्त हुआ है, वरना गांव वाले इसे मार देंगे। और मेरी मृत्यु का गम ना करना, क्योंकि ये आज नहीं तो कल निश्चित थी। ये था गौतम बुद्ध का महान हृदय, जिन्होंने स्वयं को जहर देने वाले व्यक्ति को भी अत्यंत सौभाग्यशाली बताया। आप गौतम बुद्ध के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और अपने बड़े भाई आर्यंस के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे दोस्तों।